नमस्कार, मैं अनुराग। आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पास के ही अपने मित्र हैं, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। आज इन्होंने मैसेज किया कि ये जो मेरा प्यारा सा मैक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गया है और मिट्टी गंदगी वगैरह खाते रहता है ना, यही सब है ना इशू। हाँ। आप एक बार बता दीजिए कि आपके डॉग में इशू क्या क्या सब है। ठीक है। हाँ, मिट्टी, लकड़ी, कंकड़ यही सब चबाते रहता है, खाना नहीं खाता और खाना भी कम खाता है। हाँ दोस्तों, ये डॉग खाना भी कम खा रहा है और मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लकड़ी, मिट्टी, कंकर ये सब खाता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर गंदा चीज़ आपका डॉग खा रहा है, उसको निगल रहा है, तो आपके डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये परेशानी क्रिएट कर सकता है कुछ ही दिन के बाद, क्योंकि इसके वजह से आपके डॉग में काफ़ी पॉइजनिंग भी हो सकता है और गंदगी अगर आदमी खाए या फिर कोई भी जानवर खाए तो प्रॉब्लम होगा ही। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा कैसे सही होगा और इसका रीज़न भी बताऊँगा। रीज़न भी जानिए ताकि आपको सॉल्यूशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको अपने गोद में ले रहा हूँ, बहुत ही क्यूट है ये। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका टोटल 3 कारण है, ठीक है। अगर कोई भी डॉग गंदा चीज़ खा रहा है तो उसका मेनली 3 कारण है। इस तीनों कारण को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिए। बहुत सारे लोगों को पहला 2 कारण पता होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तीनों कारण को अच्छे तरीके से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहला कारण जो डॉग्स में होते हैं कि वो गंदगी खाए, वो होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, कि उसको कैल्शियम या फिर विटामिन सही तरीके से नहीं दिया जा रहा हो या फिर खाना का जो न्यूट्रिशन है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा हो। दूसरा जो इशू होता है वो होता है कि डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिवॉर्मिंग उसको टाइम टू टाइम ना करते हैं, पेट में कीड़ा हो जाता है, तो उसका भी कुछ सिम्टम्स होता है, जिसमें से एक सिम्टम्स है कि आपका डॉग गंदी चीज़ खाना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों, बहुत सारे पेट पेरेंट उसको विटामिन, कैल्शियम, अच्छा खाना भी देते हैं और डिवॉर्मिंग भी टाइम टू टाइम करते हैं क्या, लेकिन फिर भी ये गंदा चीज़ खाता है। तो दोस्तों, इसमें तीसरा कारण आता है कि ये बिहेवियर इशू होता है, कि ये आदत ही खराब होता है। जैसे कि हम लोग के ह्यूमन के बेबी में भी होता है कि वो भी मिट्टी लेने लगता है, मिट्टी भी खाने लग जाता है, तो सेम टू सेम डॉग्स में भी होता है इस टाइप का बिहेवियर इशू। तो दोस्तों, इसको आप लोग सही कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सही कर पाओगे। दोस्तों, यदि आपका डॉग इस टाइप का गंदी चीज़ खा रहा है तो आपको नॉर्मली उसको मना करना है। आप मना अपने तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपने डॉग को कोई भी गलत चीज़ करने से कैसे मना करते हो? नो कहते हो तो आपका डॉग समझ रहा है नो मतलब? नहीं समझ रहा, उठा के रख देते रख दे सब। दोस्तों, यही प्रॉब्लम बहुत सारे पेट पेरेंट के साथ हो रहा होगा कि उनका डॉग नो मतलब समझ ही नहीं हो रहा होगा। अब दोस्तों, मैं आपको नो समझाने का, इसको मना करने का 2 तरीका बताऊंगा। एक तो देसी तरीका आपको बताऊंगा और दूसरा एक ट्रेनिंग वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग देसी तरीका सुनिए। सपोज डैट कि आपका डॉग आपके किसी फैमिली मेम्बर को काट रहा है या फिर काटने के लिए जा रहा है, तो आप लोग कैसे रोकोगे? डांटेंगे। कैसे रोकोगे? सपोज डैट कि आपका डॉग आपके सिस्टर को या फिर आपके भाई को काटने के लिए दौड़ रहा है, तो फिर आप इसको कैसे रोकोगे? नो डांटेंगे। मतलब नो करोगे तब तो समझेगा ही नहीं। मतलब कोई और तरीका जो आप अप्लाई कर पाओ, वहाँ से उठा लेंगे, या फिर कोई बाहरी डॉग, कोई जंगली डॉग आपके घर वाले पे दौड़ गया है काटने के लिए, तो आप उसको कैसे रोकोगे? उसको वहाँ से डरा के हटा दें। डरा के हटाओगे, हब करोगे इस टाइप से। तो ये देसी तरीका है। अगर आप ये करते हो तो कोई भी डॉग हो वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद समझने लग जाएगा कि मतलब कि इससे मुझे मना किया जा रहा है। लेकिन ये दिखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये मानना है कि आप लोग सिंपली नो बोलिए और आपका डॉग समझ जाए कि नो मतलब क्या होता है, यही ना। तो दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग वीडियो है जिसको मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हो कि नो का ट्रेनिंग कैसे दिया जाए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको भी अभी एक छोटा सा ट्रायल करके आपको बताऊंगा कि नो का ट्रेनिंग आप लोग कैसे दे सकते हो, और डिटेल में मैं अगले वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, आप लोग समझ गए होंगे कि डॉग कंकर, मिट्टी, पत्थर क्यों खाता है। अब दोस्तों, इसको मना इस तरीके से करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका डॉग एक ही दिन में छोड़ देगा या फिर 2 दिन में छोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप मना करते रह जाओगे, क्या हो गया, इसको पकड़िए थोड़ी देर, शांत रहेगा। हम
दोस्तों अगर आप लोग इस तरीके से मना करोगे अपने डॉग को तो लगभग एक सप्ताह, दो सप्ताह या फिर एक मंथ भी लग सकता है या फिर दो मंथ भी लग सकता है इसको सही होने में। तो आप लोग पेशेंस को बनाए रखिए और अपने डॉग को मना करते रहिए। ऐसा सारे डॉग्स में होता है, आपको भी ऐसा कुछ ना कुछ टाइम तक करना ही होगा। उसके बाद एक बार जब आपका डॉग सीख जाएगा उसके बाद फिर लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए एक से दो मंथ तक उसको मना कीजिए, उसको सिखाइए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस में, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।